हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मेरे वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो आइए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने कंसेप्ट लिया है वो लिया है कोल और पेट्रोलियम से। एट्थ क्लास का ये चैप्टर है। देखो, इसमें फर्स्ट जो मैंने टॉपिक उठाया है वो लिया है जो बेसिक है, बिल्कुल एक लाइन में आपको एकदम से दिमाग में आ जाए ये चीज़। जैसे इन एग्जॉस्टिव और नेचुरल सोर्सेज जो है वो क्या होते हैं। तो इन एग्जॉस्टिव और नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से जो है वो मिलते हैं, नेचर से जो हमें मिलते हैं। और इन एग्जॉस्टिवल होते हैं जिनका जो सोर्स होता है दैट इज अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड सोर्स होता है, मतलब उनका सोर्स जो है वो लिमिटलेस होता है, अनलिमिटेड होता है। बहुत ज्यादा जो है वो सोर्स इसमें नेचर में जो होता है और वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम इन एग्जॉस्टिवल नेचुरल सोर्सेस। तो इसमें जो आपका आता है वो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो इसमें सनलाइट, एक तो सनलाइट आती है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, और सेकंड आता है इसमें एयर, वायु जो होती है। ये जो सोर्सेस हैं ये अनलिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत लंबे समय तक जो है वो चल सकते हैं। तो ऐसे नेचुरल सोर्सेस को हम इन एग्जॉस्टिवल जो वो बोलते हैं। सेकंड है एग्जॉस्टिवल। एग्जॉस्टिवल क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल सोर्सेस जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जिनकी क्वांटिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ज्यादा वो नहीं होते हैं। और अगर उनको हम सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो वो एक टाइम पे समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं वो, जैसे फॉरेस्ट है, जंगल जो होते हैं वो एक लिमिटेड सोर्स है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ है जो वन्य जीव होते हैं वो है। और इसके अलावा आपको होता है कोल है, जो कि हमारा ये चैप्टर भी है, कोल है, पेट्रोलियम है। ये जो है वो लिमिटेड सोर्सेस हैं, ये बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो सकते हैं। मिनरल्स भी हो सकते हैं इसमें जो हमें सॉइल से जो वो मिलते हैं, अगर उनका भी हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये भी खत्म हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल, देखो ये सारे बेसिक कर रहे हैं हम, तो आपको एक लाइन में या एक वर्ड में ये चीज जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये होता क्या है। जैसे फॉसिल्स फ्यूल अगर आपसे पूछें तो आपको दिमाग में एकदम से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फॉसिल्स फ्यूल बेसिकली होता क्या। जीवाश्म ईंधन बोलते हैं हम इसको, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं? देखो, ये बनते हैं जो डेड रिमेन होते हैं, जो मृत होते हैं पार्ट्स। ठीक है, मृत जो भाग होते हैं, डेड रिमेन्स पार्ट्स होते हैं किसके? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो डेड पार्ट होते हैं, जब वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो ये बनते हैं फॉसिल्स फ्यूल जो है वो बनते हैं। तो फॉसिल्स फ्यूल्स में देखो एग्जांपल है आपका कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल्स फ्यूल्स के एग्जांपल हैं। तो जीवाश्म ईंधन आपको पता है कि कैसे बनते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन होते हैं, मृत भाग होते हैं जो बच जाते हैं, और फिर वो किसका रूप धारण कर लेते हैं? जीवाश्म का रूप धारण कर लेते हैं, जिनको फॉसिल्स फ्यूल्स वो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोल। इस फॉसिल्स फ्यूल को देखो आप यहाँ पे ज्यादा हाँ अच्छी तरह समझ पाएंगे। फॉसिल्स फ्यूल, उसमें मैंने एग्जांपल बताया आपको कोल, कोल भी एक फॉसिल्स फ्यूल है ना। तो देखते हैं ये देखो कैसे बनता है। देखो क्या होता है कि बहुत सालों के बाद ये प्रोसेस होती है कि कई बार क्या हो जाता है कि जो डेड पार्ट होते हैं, डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, है ना, या प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जब किसी आपदा के कारण, किसी आपदा के कारण क्या हो जाते हैं कि वो सॉइल के नीचे जो है वो दब जाते हैं, मिट्टी के नीचे जो है वो दब जाते हैं। जैसे फ्लड आ गया, है ना, फ्लड के कारण क्या हो जाता है कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई पार्ट इस तरह से है प्लांट का, अगर ये नीचे आ गया और इसके ऊपर क्या होता जाता है, बहुत सारी इसके ऊपर मिट्टी जो है वो
जमती जाती है बहुत ज्यादा, बहुत हाइट हो जाती है, और इसमें बहुत सालों, बहुत साल जो है वो लगते हैं, मिलियंस ईयर लगते हैं। यहाँ पे लगभग 300 मिलियंस ईयर जो है वो बताया गया है ना, 300 मिलियंस ईयर्स के बाद जब ये जो पार्ट्स होता है प्लांट का, इसके ऊपर देखो क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर हो जाता है। एक कंडीशन ये लगती है इसमें, हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर बहुत सालों बाद, ठीक है, ये जो डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, दे कन्वर्ट इनटू कोल, वो कोल में जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बन, कार्बनाइजेशन जो है वो बोलते हैं, कार्बनीकरण जो है हिंदी में इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, कोई भी पार्ट है उसका, चाहे होल प्लांट है, वो जब किसी आपदा के कारण, जैसे फ्लड के कारण, वो नीचे गिर जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जो है वो आ जाती है ना, पर ईयर ईयर आगे से आगे, हर साल हर साल हर साल जो है इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ जाता है, उस मिट्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब इसके ऊपर हो जाता है, तो फिर बहुत सालों के बाद जो है वो, ये जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू कोल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन जो टर्म है, कार्बनीकरण जो टर्म है, वो आपको एकदम से क्विक दिमाग में आ जानी चाहिए कि कोल की फॉर्मेशन को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं, और कार्बनाइजेशन कैसे होती है ये आपको क्लियर हो जाए। देखो दो तीन बातें हैं इसमें, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, वो डेड पार्ट जो होते हैं प्लांट के, दे कन्वर्ट इनटू कोल, दैट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी एक फॉसिल्स फ्यूल जो है वो होता है। उसके बाद देखो कोक क्या है, कोक भी कार्बन का एक रूप है, कार्बन का एक रूप है, और ये कौन सा रूप है, प्योर, इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड प्योर, तो प्योर जो होती है दैट इज कोक, कोक इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की ये बिल्कुल प्योर रूप जो है वो होता है, और इसका यूज देखो कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है स्टील, जो स्टील की फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे किया जाता है, और सेकंड इसका यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इनकी जो धातुओं का हम परिष्करण करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं उसको, या एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं मेटल्स को हम, वहां पे हम कोक का यूज करते हैं, और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका हम यूज जो है वो करते हैं, और ये लगभग कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है, प्योर रूप जो है उसको हम बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कोल टार। कोल टार क्या होता है, देखो कोल टार जो होता है ये लगभग, इसमें 200 सब्सटेंस होते हैं, लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है, 200 सब्सटेंस होते हैं, उससे ये कोल टार जो है वो बनता है, ठीक है। और इसका यूज देखो कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है डाइज की फॉर्मेशन में, कलर्स फॉर्मेशन में, डाइज की फॉर्मेशन में इसका किया जाता है, और ड्रग्स जो औषधियाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद एक्सप्लोजिव मटेरियल भी में भी इसका यूज जो किया जाता है, विस्फोटक में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद परफ्यूम, जो हम परफ्यूम लगाते हैं उसमें भी कोल टार का यूज जो किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका यूज प्लास्टिक पेंट्स जो होते हैं, प्लास्टिक पेंट्स, वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा इसका यूज है वो नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं, नेफ्थलीन की जो वॉल्स होती हैं, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है फॉर रिपेलेंट ऑफ मॉथ, ना जो कीट वगैरह होते हैं, मॉथ वगैरह होते हैं, उनको रिपेल करने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की वॉल बनाई जाती है, वहां पे भी कोल टार का जो है वो यूज किया जाता है। और लास्ट में जो है कोल गैस, देखो कोल गैस कब बनती है, कोल गैस कब बनती है, जब हम कोल से जब हम क्या बनाते हैं, कोक, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ
कोक, फ्रॉम कोल, कोल से जब कोक बनाते हैं तो उस टाइम जो है वो कोल गैस का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। और इसका यूज जो है वो किसके लिए किया जाता था, पहले लाइटनिंग के लिए, ठीक है, रोशनी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और इसका प्रयोग सबसे पहले लाइटनिंग के लिए कब किया गया, 1810 में जो है वो किया गया, कहां पे, लंदन में। और फिर 1820 में इसका यूज किया गया न्यूयॉर्क में, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है इसका लाइटनिंग के रूप में यूज किया गया था लंदन और न्यूयॉर्क में 1810 और 1820 में। और उसके बाद लाइटनिंग का इसका यूज जो हो कम कर दिया गया, और फिर इसका यूज किसके लिए किया जाने लगा, आज की डेट में इसका यूज जो किया जाता है हीट के लिए, ठीक है, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, हीट प्राप्त करने के लिए जो वो कोल गैस का जो वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में से कुछ बेसिक्स जो कंसेप्ट थे, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाते हैं तो ये चैप्टर जो आपको समझना ईजी हो जाएगा। तो होप है कि आपने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।